बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सोशियोलॉजी का 8 चैप्टर सोशल कंट्रोल को देखते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि सोशल कंट्रोल होता क्या है, क्या सोशल कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। यस, सोशल कंट्रोल की ज़रूरत है अगर इंसान को विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी पनिशमेंट आपने छोड़ दिया या विदाउट एनी रिवॉर्ड आपने छोड़ दिया, तो क्या आपके पास बड़ी एम्बिग्यूटीज क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सोशल कंट्रोल इन एवरी सोसाइटी कि कोई सही काम, कोई गलत काम करने से पहले बंदा हजार दफा सोचे कि नहीं कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मेरे ऊपर। तो सोशल कंट्रोल क्या है आपके पास? ह्यूमन शुड बी रेगुलेटेड एक्ट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। हर सोसाइटी का कोई ना कोई सोशल पैटर्न बना होता है, इसे नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं आपके पास, जिसकी वजह से उसको इंसान को उस चीज़ को फॉलो करना है। इसके क्या है, आप रिवॉर्ड से क्या करते हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हैं। इसका मतलब उसके बिहेवियर को आप और बेहतर कर रहे हो, दूसरों के लिए रोल मॉडल बना रहे हो, या पनिशमेंट दे रहे हो आप किसी का बिहेवियर आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द नॉर्म, आउट थोड़ा डेविएंट है या क्राइम कर रहा है, क्या आप उसको पनिश करते हो ताकि उसका बिहेवियर सही हो और कोई और इंसान सोसाइटी में ये वाला बिहेवियर एक्सेप्ट ना करे, उसको फॉलो ना करे। टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज होती है आपके पास जो कि डेविएंट बिहेवियर से प्रिवेंट करती है। टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज से फॉर एग्जांपल लॉज बनाती है, आपने पुलिस फोर्स क्या काम करती है आपके पास, FIA, FBI आपके पास, ये सारे एजेंसीज क्या काम करती हैं आपके पास, इसी डेविएंट बिहेवियर और क्राइम क्रिमिनल बिहेवियर को रोकने का काम करती होती है। जरूरी है सारे फॉर्मल, इनफॉर्मल भी होता है, मैं आगे आपको पूरी डिटेल बताऊँ। मैकेनिज्म और सोशल कंट्रोल, इसके बारे में तीन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तीनों लोगों ने सेम ही बात किया है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट यूज किए आपके पास। कार्ल मैनेथम ने बोला है कि दो मैकेनिज्म है, एक डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, सेकंड क्या है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स के साथ है। प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे। प्राइमरी ग्रुप्स कौन होते हैं आपके पास? फैमिली। फैमिली जब आपको बोलती है ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, आंख दिखाते हैं, हाथ उठाते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या करते हैं, आपको कंट्रोल में रखते हैं। फैमिली है आपके पास, या पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह पीयर ग्रुप्स हैं, या एजुकेशन है, टीचर्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या करते हैं प्राइमरी सोशल कंट्रोल। इनडायरेक्ट डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, सेकंड क्या इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, सेकेंडरी ग्रुप, जैसे आपकी ट्रेडिशंस हैं, आपके कस्टम्स हैं, आपके खुद ही दिमाग में आता है यार ये तो करना मुझे अलाउ ही नहीं है, या सोसाइटी अगर मैं ये काम करूंगा तो सोसाइटी तो मुझे पनिश करेगी या बुरा भला बोलेगी, तो सेकेंडरी ग्रुप आपके पास होते हैं जो कि आपके पास जो आप ट्रेडिशंस या कस्टम्स की तरह से आप खुद ही कंट्रोल में रहते हैं। सेकेंड है लमले, टू मैकेनिज्म, इसने बोला फिजिकल फोर्स मेथड और ह्यूमन सिंबल मेथड। फिजिकल फोर्स मेथड में आपके पास कौन आ जाता है, यू फोर्स देम टू बिहेव अकॉर्डिंगली, ठीक है आपके पास। सेकेंड क्या है, ह्यूमन सिंबल मेथड में आपके पास नॉर्म्स वैल्यूज आ जाती हैं, जो कस्टम्स आपके हैं, किस तरह है आपका काम करना है, आपके बिलीफ सिस्टम है, इवन रिलीजन की बात करें बिलीफ सिस्टम है आपके पास, या ट्रेडिशंस आपके क्या हैं, या आपको कि सिंबल्स आपको क्या सिखाती हूँ मिलकर। थर्ड है किम्बाल यंग साहब बात करते हैं, दो पॉजिटिव सोशल कंट्रोल है और नेगेटिव सोशल कंट्रोल है। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल के आपके पास रिवॉर्ड्स या फिर अप्रिसिएशंस, नेगेटिव सोशल कंट्रोल के आपके पास क्या है, पनिशमेंट या फिर फियर, या आपके पास नेगेटिव सोशल कंट्रोल है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल्स, कुछ फॉर्मल मीन्स है, कुछ इनफॉर्मल मीन्स है। एजुकेशन आपके पास फॉर्मल मीन है, एजुकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट मीन इसलिए भी है क्योंकि ये हेल्प आउट करता है इंटरनलाइज करना, कि आपको सिखाता है चीजें फॉर्मल तरीके से कि क्या है आपके नॉर्म्स क्या है, आपने किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, ये सारे आपके पास एजुकेशन सिखाता है। और लॉ क्या सिखाता है, लॉ इंटेज जनरल रूल ऑन बिहेवियर, आपके जनरल रूल बता देता है कि ये दैट इज द लिमिट, आपने इससे बाहर गए तो आपने लॉ की खिलाफ वर्जी की, नाउ यू आर लाइबल, आपको पनिश, या तो आपको फाइन्स पे करना है या फिर आपको इम्प्रिजमेंट, इस तरह आपको लॉ सिखाता है। इनफॉर्मल मीन्स के आपके पास नॉर्म्स वैल्यूज और बिलीफ्स, अगर आपने कल्चर का चैप्टर पढ़ा आपको पता है कि नॉर्म्स होता है कि आपको सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है,
ऐसा करो ऐसा नहीं करो, प्रोस्क्रिप्शंस क्या है, प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। वैल्यूज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल को अलग अलग करता है, वैल्यूज उस चीज से बात कर रहा है। बिलीफ सिस्टम आपका क्या है, बिलीफ सिस्टम में इवन आपका रिलीजन भी आ जाता है, आपकी सोशल बिलीफ आ जाते हैं। रिलीजन क्या है, किसी चोरी नहीं करो, आप किसी से गलत बात नहीं करो, अपने बिहेवियर को सही रखो, ये बिलीफ सिस्टम आपके पास होता है कि किसी से झूठ नहीं बोलो, ये सारी चीजें आपके। एजर्स और सोशल कंट्रोल क्या है, फैमिली स्टेट एजुकेशन नेबरहुड। फैमिली आपको पता है सबसे प्राइमरी एजेंट है, जब जो बड़ा फैमिली आपके पास प्राइमरी एजेंट होता है, आपको पता है बचपन से हमें क्या सही है क्या गलत है, क्या काम करना है क्या नहीं करना, किससे किस तरह बात करनी, किससे किस तरह बात नहीं करनी, इस पे फैमिली आपके हाथ भी उठाती है, आपको डांटती भी, आपको आंखें भी दिखाती है, जिसका मतलब आपको कंट्रोल में रखती है। उसके पास स्टेट है, स्टेट इंस्टीट्यूशन आपके पास पुलिस वगैरह जो है, पुलिस है, रेंजर्स है, ठीक है, या फिर लेजिस्लेचर है, ठीक है, या फिर आपके पास जो एजेंसी है FIA वगैरह है, ये स्टेट इस तरह से आपको सोशल कंट्रोल में रख रही है कि अपने एक कंट्रोल में सोसाइटी के पैटर्न्स को फॉलो करो। एजुकेशन में आपने बात कर दी, फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो आपको सारी चीजें दिखाता है, इंटरनलाइज करवाता है बेसिकली आपकी सोसाइटी क्या है, आपके सिस्टम क्या है, आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, वो आपको सिखाता है। नेबरहुड बेसिकली इनफॉर्मल है, हम लोग नेबरहुड भी है कि आपकी पड़ोस की आंटी देख तो नहीं, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, आपके सोसाइटी वाले आपको बुरा भला तो नहीं बोल रहे, तो वो स्टिग्मा लगा देते हैं चीजें, आपको इनडायरेक्ट वे में आपको ये भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। एनोमी किसे बोलते हैं, 1897 में दुर्खाइम साहब ने, इमाइल दुर्खाइम ने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था। एनोमी कहते हैं स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। देखिए ये दो वजह से होती है, जब तो अगर आपको स्टेट के किसी नई जगह पे जाते हैं या उस जगह पे स्टेट के नॉर्म्स और वैल्यूज आपको समझ ही नहीं आती, सोसाइटी में चल क्या रहा है, मतलब किस तरह हमारी काम करिए। यहाँ पे सेकंड ये बात होती है, बड़ी रैपिड ट्रांजिशन हो रही है सोसाइटीज की। हम लोग एक वक्त, हमें अभी भी याद है कि हम लोग लूडो खेल रहे होते थे और फिर फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल गेम खेलते थे, अचानक से वो दौर आ गया जिसपे मोबाइल का दौर आ गया है, तो हमें इतनी रैपिड चेंजेस हमें नजर आई है, सोसाइटी कहाँ पे थी आज कहाँ पे, कैसे हमारे मोबाइल के आगे पूरी सिस्टम पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया। देखिए हम तो फिर भी थोड़े यंग जनरेशन में आते हैं कि हमने इन चेंजेस को अडॉप्ट किया, लेकिन जो आबाओ अजदाद हैं, जो पुराने लोग हैं, वो तो इन चेंजेस को देख ही नहीं रहे। उनको वो वक्त याद है जब बैठे होते थे, वो टेलीफोन एक ही होता था घर में, पता नहीं किस सबकी कॉल उसी टेलीफोन पे आती थी, या एक ही टीवी चल रहा था, एक ही रेडियो होता था, कैसेट चलते थे, तो किस तरह अचानक सोसाइटी वहां से यहाँ पे, तो आपको नॉर्म्स जब और नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज, आपकी वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है। आप किस चीज को पहले, आप तमीज अदब को वैल्यू देते थे, आप वैल्यूज ही चेंज कर दी अपनी, तो ये सारी चीजें आपके पास, किस तरह के कपड़े पहनने, वो सारे कपड़े, हर चीज चेंज हो गया हमारी सोसाइटी में। जब कोई बड़े लोग या फिर वो लोग जो कि इन नॉर्म्स को समझ नहीं पाते, सोसाइटी में चल क्या रहा है, मैं तो बिल्कुल कटा हुआ हूँ सोसाइटी में, मैं तो सोसाइटी में चल ही नहीं सकता, इस तरह ही जब स्टेट होती है ना, जिससे बोलते हैं स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, ठीक है, रैपिड ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटी, स्पेशलाइजेशन आ गई, डिविजन ऑफ लेबर आ गई। पहले क्या था, सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, पाकिस्तान में 70% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग एग्रीकल्चर में शामिल थे, तो जब ऐसी बात होती तो इसकी इंक्रीज डिसफंक्शन ट्रेट्स, मतलब मैं तो इस पर चल नहीं सकता, इम्पर्सनैलिटी, मुझे अपनी पर्सनैलिटी समझ नहीं आती, मैं डिसंगेज होना स्टार्ट हो जाता हूँ दुनिया में, दुनिया से, इस सोसाइटी से डिसंगेज अलग होकर बैठना शुरू हो जाता हूँ, एनोमिक कंडीशन होती है बेसिकली, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनोमिक कंडीशन। और इस वजह से जब इंसान बड़ा नॉर्मलेसनेस का शिकार होता है ना, उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि इंसान सोसाइटी के चेंजेस को देखते हुए उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता और अल्टीमेटली उस पर सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसी स्टेट की ऐसे सुसाइड लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो एनोमी थोड़ा आइडिया को दिया मैंने। एलिनेशन क्या है, एलिनेशन है बेसिकली जब इंसान अपनी सोसाइटी के ऊपर से वो कंट्रोल है, उसका कंट्रोल उसके हाथों से जाता हुआ नजर आता है, या तो एक ये मैनिफेस्टेशन है, या फिर दूसरी है कि जो चीज वो खुद बना रहा है उसका फ्यूचर क्या हुआ उसका हाथ में कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई लेबर है गाड़ी बना रहा है, लेकिन गाड़ी किसको सेल होगी, कौन से मुल्क में जाएगी, कुछ होगा, तो उसके हाथ में ये चीज नहीं है। तो इसका मतलब है जब, अब वो इसको पढ़ते हैं, फीलिंग दैट कैरेक्टराइज लूजिंग कंट्रोल ओवर वन सोशल वर्ल्ड, आप अपने सोशल लूजिंग कंट्रोल। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वालिद साहब को या वालदा को ये बोलते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है सोसाइटी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसे वैसे नहीं करते, आप उनको समझाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल लिखी हुई थी
तो उस पर ये लिखा हुआ था कि जब बड़े भी होते हैं घर के बड़े वालिदैन जो होते हैं वो जब ऐसे समझ आते हैं लूजिंग कंट्रोल उनके हाथों से जब चीजें निकल रही हो, पहले वालिद साहब घर के सारे डिसीजन ले देते, अब बच्चे वालिद साहब को बताते हैं कि इनके सामने कैसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं करे, या दूसरों को जस्टिफाई करें इनका ये मतलब नहीं था कहने का, ये मतलब नहीं था, तो इस चीज के इस फीलिंग एक फीलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो फीलिंग डेट कैरेक्टराइज लूजिंग कंट्रोल ओवर वन सोशल वर्ल्ड, या मार्क्स ने डिफाइन किया, मार्क्स ने खैर लेबर के लिहाज से डिफाइन किया, मार्क्स डिफाइंड इज द रिलेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट में मैंने दो बात की थी, एक वर्किंग क्लास होती है और एक रूलिंग क्लास होती है। रूलिंग जो वर्किंग क्लास होती है गाड़ियां मतलब कोई चीज बनाती तो है लेकिन इसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है, रूलिंग क्लास के ऊपर होता है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी इस काम इस प्रोडक्ट की। तो मार्क्स ने भी बात की है, अब इसको बोलेंगे क्या, अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस। हमने जब पहले बात की कौन से, जब हमने इधर बात कर रहे थे एनोमी पे, सेंस ऑफ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और एलिनेशन क्या है, सेंस ऑफ पावरलेसनेस की मेरी तो पावर ही खत्म हो रही है, मैं पावर तो पावरलेसनेस, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस जब इंसान को पता चलता है मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन व्हेन दे आर कन्फ्रंटेड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कंडीशंस दैट दे कैन नॉट कंट्रोल एंड कंसीडर ऑप्रेसिव। कभी घर पे देखिएगा आप मतलब सोसाइटी में अगर आपको ऐसा लगे तो काइंडली लोगों को समझाइएगा कि जब कोई बड़े बूढ़े हो ना, जब उनको बता दिया जाए कि आप ऐसे करें वैसे करें तो उधर ना वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो बिल्कुल साइड पकड़ लेते हैं, उनकी आहिस्ते से तबीयत भी खराब होना, उनको लगता है कि मैं इस सोसाइटी में मतलब मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है। वो बच्चे जिनको मैंने उंगली पकड़ा के इनको चलना सिखाया था तो आज तो वो आउट ऑफ आज तो वो मुझे सिखाते कब क्या बात करनी है, तो ऐसी एडिशन में वो देखिएगा बिल्कुल कोने में बैठते हैं, बहुत कम बात करते हैं लोगों से। तो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी है आपके पास, स्ट्रेनमेंट फ्रॉम सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस, और आखिर में क्या है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप सोशल इंटीग्रेशन करना ही छोड़ देते हो, लोगों से मिलना ही छोड़ देते हो, खाते हो पीते हो सोते हो सोचते हो, और सोचते हो जितना डिप्रेशन का शिकार होते हो। तो एलिनेशन क्या है, सेंस ऑफ पावरलेसनेस। सोशल इंटीग्रेशन मैंने वैसे बात की है लेकिन सोशल इंटीग्रेशन में दोबारा ही बात करता हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन जब एक हार्मनी से सब अपने अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं तो सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, और इन इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटीग्रेशन होता है आपके पास और बहुत प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो सेकंड क्या आपके पास, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंगल यूनिट बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स। मैंने बॉडी की एग्जांपल दी थी, डिफरेंट तरह के बॉडी पार्ट्स जब मिलकर काम करते हैं सही तरह तो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी सही तरह काम करती है। इसी तरह सोसाइटी है, सोसाइटी के डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो सही तरह काम करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स सही तरह काम करते हैं, सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से चलती है। सोशल इंटीग्रेशन दो तरीके से होती है, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन से। एसिमिलेशन में और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, एसिमिलेशन में आपके पास जब डिफरेंट तरह की आइडेंटिटीज के लोग साथ बड़े 100 साल 150 साल तक मिलते हैं तो उनकी एक ही आइडेंटिटी बन जाती है, किसी को देख के पता नहीं चलता ये तुम सिंधी हो तुम पंजाबी हो तुम बलोच तुम पठान, तो इस तरह की बातें नहीं करते हम लोग, तो उसमें एसिमिलेशन है, सारे ही हमने सोसाइटी हमें एक तरह की नजर आती है, डेट इज एसिमिलेशन। सेकेंड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, आप अपने आप को तो मतलब जैसे मैं दुबई की बात करूं, दुबई में इंडियंस भी रह रहे हैं पाकिस्तानीज भी रह रहे हैं, 160 नेशंस रह रहे हैं बेसिकली, और पता चल जाता है फिलिपीनीज को देख के फिलिपीनीज हैं ये, पता चल जाता है पाकिस्तानीज को देख के पाकिस्तानी, बंगाली वो सारे अपने आपस में अपनी अपनी जबान, लेकिन क्या है कोई एक दूसरे से किसी खतरे का शिकार नहीं है। इसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में ये है कि अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ घूम तो रहे लेकिन तब भी बड़ी हार्मनी में रह रहे हैं, डेट इज नोन एज सोशल इंटीग्रेशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सोशल इंटीग्रेशन का है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी कुछ अर्से पहले सिंधी और पठानों का जो इतना बड़ा मसला हुआ, भाई आपने होटल जला दिए, आपने एक दूसरे की रिसोर्सेज जला दी, आपने हाईवे बंद कर दिया, कितने लोग कितने मसलों का शिकार हुए हैं। तुम पाकिस्तान मुस्लिम मुसलमान के नाम पे तुमने पाकिस्तान के नाम पे तुमने पाकिस्तान लिया था, उसके बाद तुम पाकिस्तान की क्या हालत कर रहे हो। वी आर सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। हम लोग सुन्नी शियाओं को एक्सेप्ट नहीं करते, शिया सुन्नी को एक्सेप्ट नहीं करते, पंजाबी सिंधी सिंधी पठान पठान बलोच इतने महाजिर मतलब इतने तरह के आपने नाम दे दिए तो महाजिर है। आप डायरेक्ट बल्कि फेसबुक की पोस्ट देख लो, वहां पे आपने लिखा है ये महाजरों की वजह से हुआ, ये सिंधियों की वजह से होता है। यार क्या पांच उंगलियां बराबर है, सारे एक जैसे हैं? आप सोशल इंटीग्रेशन अगर पाकिस्तान में ये चीज हो जाए ना, आप एक मुसलमान के नाम से पहचाने जाओ
या फिर आप एक्सेप्ट करो डिफरेंसेस को. मींस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, सोशल इंटीग्रेशन बड़े ही कहते हैं, शेयर आइडेंटिटी को आप एक्सरसाइज करें, एथनिक पॉलिटिक्स को कम से कम करें, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स को कम करें आप, इंटरफेथ हारमोनी बढ़ाएं, सेक्टेरियनिज्म. वो सेक्टेरियनिज्म में बात मुझे आप एक ना शेर याद आ जाता है कि काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, मैखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते हैं. क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो हैं मगर तेरे मुंह पे नहीं कहते. ये सेक्टेरियनिज्म, हम लोग मुसलमान पे भी फतवे लगा देते हैं. हम एक साथ बैठो यार, ये तो शिया है ये तो सुन्नी है, हम तो कुरान पाक भी इसलिए पढ़ते हैं, दूसरे को हम गलत कैसे साबित करें? नाउज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए. अच्छा, प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखो दो. ये ना करो यार ये हमारा भाई है, ये तो सिंधी भाई है, सिंधी भाई को नौकरी देते हैं, ये तो बलोच भाई है बलोच, ऐसी बातें ना करें आप. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए. प्रोविजंस फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 25 हमारा बताता है, लेकिन स्टिल क्या बात करें. करिकुलम चेंज, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम इसीलिए आ रहा था कि हम लोग सोशल इंटीग्रेशन बढ़ाए, लेकिन क्या हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ आपको पता है? टेक रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन बोर्ड, रिलीजियस स्कॉलर को ऑन बोर्ड तब लो जब पहले खुद ही सेम प्लेटफॉर्म पे हो. माजरत के साथ हमें लड़वाने में सबसे बड़ा हाथ इनका भी है, सबसे बड़ा नहीं मतलब इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ है जिन्हें हम इन्फ्लुएंशियल अपने लीडर समझते हैं. बदकिस्मती के साथ इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक आप कोई सवाल हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा. ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़.